वेलकम बैक माई YouTube चैनल जिसका नाम है डेली वेब्स एंड फन। सो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्की और साथ चटनी। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आलू मैश करूंगी। आलू तकरीबन थे 1 किलो। ये देखें आलू सारे तकरीबन मैश हो गए हैं। अब मैंने मिक्स करके आपको बताती हूँ। हाथों से ही करूँगी। ये देखें जी, ये मेरे आलू मिक्स हो गए। ये अब मैं इसमें बंद गोभी डालूंगी। बंद गोभी को पहले मिक्स कर लूँगी। सारा कुछ पहले मैं डाल लेती हूँ। ये धनिया, ये सब्ज़ मिर्चे, ये शिमला मिर्चे। शिमला मिर्चे तकरीबन मैंने 2 काटी थी। ये प्याज, प्याज एक दरमियाने वाली। ये बेसन 1.5 चम्मच। ये मिर्चें हैं, ये चाट मसाला है, ये नमक है, ज़ीरा है और सूखा धनिया था। यह मैं अच्छे से मिक्स करके आपको बताती हूँ। 2 मिनट मिक्स हो ले, मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। ये देखें जी, ये आलू की टिक्की का मसाला बन गया है। अब हम चटनी एक दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। ये मिर्चें होगी, ये धनिया पुदीना और अनारदाना हो गया। जूसर में धनिया पुदीना अनारदाना और सब्ज़ मिर्चें डाल के, दही डाल के हमने इसे ग्राइंड कर लिया और नमक भी डाला था। ये देखें ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँ। फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये पहले निकल ले। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ये देखें जी, अब मैं इसे मिक्स कर लूँ। ये हमारी चटनी रेडी। ये देखें, ये 2 अंडे लिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। इधर से मैं टिक्की बना लूं।
और ये अब मैं इसे अंडा लगाऊंगी और फिर फ्राई होने के लिए रख दूंगी। तवे पे रखिएगा क्योंकि दूसरे तरीके से झाग छोड़ देता है वो। ये देखें, ये देखें तकरीबन टिक्की ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी और डोले फिर हम इसे उतारते हैं। दोनों साइड से ओले मैं अब आपको पका के बताती हूँ। देखें अभी वो बाकी सब पक रही हैं। ये देखें जी हमारी रेसिपी तैयार। सो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।